हमने पहले पढ़ा था भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था हमने, और अब हमारा जो दूसरा जो टॉपिक है वो है लिपिड्स का। भोजन का जो दूसरा घटक है वो लिपिड है। वसा और उसके व्युत्पन्न हैं वो लिपिड कहलाते हैं। और लिपिड शब्द ब्लूर ने दिया था। लिपिड शब्द किसने दिया? ब्लूर ने दिया। ये भी क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, लेकिन इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। ये जो अनुपात 2:1 है ये कार्बोहाइड्रेट में तो होता था, लेकिन यहाँ ये नहीं होता है। ये जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, गर्म एल्कोहल है आदि में घुल जाते हैं। लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दुगुनी से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं अपने शरीर को। अब लिपिड्स के प्रकार देखिए, निम्न प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है सरल लिपिड। सरल लिपिड क्या होते हैं कि वसा के अणु का संश्लेषण ग्लिसरॉल के एक और वसीय अम्लों के तीन अणुओं के, तो बीच में जो बंध होगा वो होगा एस्टर बंध, और इस बंध से ये जुड़ जाएंगे। ग्लिसरॉल का एक अणु जुड़ जाएगा और वसीय अम्लों के तीन अणु जुड़ने से एक जो वसा का अणु है वो बन जाएगा। इसलिए क्या कहेंगे, इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। अब लिपिड्स में जो वसीय अम्ल के जो तीन अणु हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो सेचुरेटेड फैटी एसिड हो, संतृप्त वसीय अम्ल, जैसे पामेटिक अम्ल है, स्टेरिक अम्ल है, ये एग्जाम्पल हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड के। दूसरा आता है असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल आदि। इनका निर्माण जंतुओं के शरीर में नहीं होता। असंतृप्त जो वसीय अम्ल हैं उनका निर्माण जंतुओं के शरीर में नहीं होता, इसलिए ये क्या होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड, आवश्यक वसीय अम्ल कहलाते हैं। इन आगे जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है कि जिनकी संरचना में संतृप्त वसीय अम्ल हैं वे क्या होंगे कि वे सामान्य ताप पर ठोस होते हैं, और सरल लिपिड जिनकी संरचना में असंतृप्त वसीय अम्ल होंगे वो सामान्य ताप पर तरल होते हैं, जैसे ऑयल्स हैं, और ठोस की बात करें तो जैसे घी है। तो ये जो संतृप्त वसीय अम्ल हैं वो सामान्य ताप पर ठोस थे और ये कम क्रियाशील भी हैं, तो इसके कारण क्या होते हैं, शरीर में जमा होने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं और मोटापा पैदा करते हैं, जबकि असंतृप्त वसीय अम्ल अधिक क्रियाशील होने से उपापचय में काम आकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले जो लोग हैं, उनको डॉक्टर घी खाने की सलाह नहीं देता है और ये कहते हैं कि आप ऑयल्स खाइए, तेल खाइए। मोम या जो वैक्स है वो भी सरल लिपिड ही होता है। दूसरा जो प्रकार आता है वो है जटिल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिन लिपिड के अणुओं में सरल लिपिड एवं लिपिड रहित अणु आपस में जुड़े रहते हैं। एक तो लिपिड का अणु हो और एक कोई और अणु हो तो उन्हें जटिल लिपिड कहते हैं। ये अणु जो दूसरा जो अणु है लिपिड के अलावा वो क्या हो सकता है, नाइट्रोजन या फास्फोरस के अणु होते हैं। अब जब ये जुड़ जाते हैं तो ये निम्न प्रकार के हो जाते हैं, जैसे है फॉस्फोलिपिड, तो इसमें लिपिड के साथ में फॉस्फोरस जुड़ गया। ये कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली जैसे अंगक हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, उनका निर्माण करते हैं। वह कोशिका की पारगम्यता को नियंत्रित करते हैं और भोजन से प्राप्त वसा के परिवहन तथा जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हैं उनको भी नियंत्रित करते हैं। फॉस्फोलिपिड के उदाहरण आ जाते हैं लेसिथीन है, सिफेलिन है। दूसरा जो प्रकार है जटिल लिपिड का वो जैसे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, ये फास्फोरस रहित होते हैं, इनमें फास्फोरस नहीं होता, और कार्बोहाइड्रेट युक्त लिपिड होते हैं। तो सरल लिपिड के साथ में क्या जुड़ गया, कार्बोहाइड्रेट। ये सभी सेल्स की, सेल मेम्ब्रेन की जो बाहरी सतह है उसके ऊपर
पाए जाते हैं। तीसरा प्रकार का आता है डिराइव्ड लिपिड्स या व्युत्पन्न लिपिड। ये सरल और जटिल लिपिड के जल अपघटन से बनने वाले सभी पदार्थ होते हैं। इनके एग्जाम्पल आते हैं जैसे स्टीरोइड्स हैं, बाइल एसिड हैं, पीतम्ल हैं, लिंग हार्मोन हैं, विटामिन डी है, कोलेस्ट्रॉल है, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं आदि व्युत्पन्न लिपिड के उदाहरण हैं। अब ये लिपिड्स का अपने महत्व क्या है शरीर में? पहला है ट्राइग्लिसराइड जीवों में संग्रहित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। 1 ग्राम ट्राइग्लिसराइड से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में डबल हो गई लगभग। उसकी 4.3 थी तो यहाँ 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा जो महत्व है वो ये प्लाज्मा कला तथा कोशिकाओं की संरचना और कार्यकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तीसरा है तंत्रिकाओं की संरचना में तथा माइलिनेटेड जो सीथ है, माइलिन आच्छद है जो कि विद्युत रोधी का काम करती है, उसके अंदर भी लिपिड्स पाए जाते हैं। चौथा जो महत्व है वो है जलीय स्तनधारियों में, जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है, पोरपोइज है इत्यादि में त्वचा के नीचे एक वर्षा का मोटा स्तर होता है और उस स्तर को ब्लेबर कहते हैं। और ये ब्लेबर क्या करता है कि सर्दियों में ठंड के रोधी का काम करता है और साथ ही भारी भरकम शरीर को हल्का बनाए रखता है। पांचवा महत्व है तेल को यदि क्षार सोडियम हो, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ गर्म किया जाए तो साबुन बन जाता है और इस साबुन बनने की जो प्रक्रम है वो साबुनीकरण कहलाता है। छठा है प्राकृतिक वसाओं से वनस्पति घी बनाया जाता है। सातवां है वसाओं से पेंट वार्निश भी तैयार किए जाते हैं। रेंसिडिटी क्या होती है कि वसाओं का एक परिवर्तन है और इसके कारण इनमें बदबू आ जाती है और ये खाने के लिए अयोग्य हो जाते हैं, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। कोशिकीय कलाओं में उपस्थित फास्फोलिपिड पारगम्यता के लिए उत्तरदायी है। जो हमने कोशिका कला की जब संरचना देखी थी या फर्स्ट ईयर में, तो उसमें यूनिट कला जो इकाई कला सिद्धांत था और फ्लूड मोजेक जो मॉडल था, उन दोनों में हमने देखा था कि कोशिका कला थी वो प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई थी। तो वहाँ जो लिपिड था वो फॉस्फोलिपिड के रूप में है और ये लिपिड क्या करता है, पारगम्यता के लिए उत्तरदायी है। कोशिका के अंदर किस प्रकार के अणु आने हैं या बाहर जाने हैं उसमें फॉस्फोलिपिड का रोल है। जो मुख्य काम है वसा का वो है दसवां, शरीर का तापक्रम स्थिर बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से ये लिपिड हुआ